रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लाहौरी अंडा चना। लाहौरी अंडा चना बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने 8 अंडे ले लिए हैं, आप इसको बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक पाव मैंने छोले ले लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम, और इसको मैंने अच्छा सा गला लिया था। और ये 2 टीस्पून काली मिर्च है, ये 2 टीस्पून साबित धनिया है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, ये 2 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, और ये 2 टीस्पून गरम मसाला है, और एक ये कनोर क्यूब का पैकेट है। ऑयल गरम हो गया है, यानी कि हमें बहुत हल्का गरम करना है, इसको तेज़ गरम नहीं करना है। ये मैंने 175 ग्राम लिया है, यानी कि 3 चिटाक ये हमारा ऑयल है, जिसको हमें ज़्यादा गरम नहीं करना, बहुत लाइट सा गरम करना है, ठीक है। हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, और इसमें गरम मसाला डलेगा आधा आधा, गरम मसाला हम बचा लेंगे। और इसी तरह हम काली मिर्च भी पूरी नहीं डालेंगे, आधी डालेंगे। जब ये जरा हमारा मसाला गरम, यानी कि तेल गरम होके पकना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल के दम पे रख देंगे पकने के लिए। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये हमारा मसाला पकना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे, यानी कि 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हल्दी भी शामिल कर देंगे, ठीक है। बस अब इसी स्टेज पे आके ना हम 1 कप पानी डाल देंगे, बस। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जब ये हमारा मसाला बिल्कुल भून जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। 2 साबित धनिया लिया था, 2 टीस्पून सफ़ेद जीरा लिया था, इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे, और इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये हमारा मसाला पक रहा है, अब इसी दौरान हमने सफ़ेद जीरा और जो धनिया भून के पीसा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये अंडा चना बिल्कुल लाहौर की तरह बनेगा। अगर जिन लोगों ने लाहौर का अंडा चना खाया होगा, उनको मज़ा आ जाएगा ये सालन खा के, ठीक है। बस अब हम इसको पकने देंगे, जब तक हमारा ये मसाला बिल्कुल भून नहीं जाता। मसाला कितना अच्छा सा भून गया है। बस अब हमें इसके अंदर छोले मिलाने हैं। बस ये जो हमने चने अच्छे से उबाल के रखे थे ना, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप इसका पानी मत फेंकिएगा चनों का। बस अभी इसको ना पकने दें, जरा सा पकने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और फिर इसके साथ हरी मिर्चें भी डाल देंगे 4 अदद। जरा जब हम पकने लगेगा तो हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। पकने लग गए, अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप पानी मिलाएंगे। देखिए, बस 1/2 कप पानी डालना है, ठीक है। जब ये पकने, अब ये हमारे पक रहे हैं, अब इसके अंदर इसी स्टेज पे आके हमें कनोर क्यूब भी शामिल करना है। कनोर क्यूब इसके अंदर 2 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 1 डालना है। बस, ठीक है। और काली मिर्ची भी हमने जो बचाई थी वो शामिल कर देंगे इसके अंदर, और गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। बस अब ये हमारे छोले दम पे पकेंगे, मज़ेदार से लाहौरी चने आपके तैयार हैं। बस अब हमें से इसको दम पे पकाना है। अब इसको हम ढक देंगे हल्की आंच पे। इसको 5 मिनट दम पे पकाया है। बस अब हम ना इस स्टेज पे आके अंडे डाल देंगे। अंडों को सिर्फ 2 मिनट दम पे रख के चूल्हा ऑफ कर देना है। हमारे मजेदार से अंडा चना तैयार हो गए, लाहौरी अंडा चना। देख, बस अब हम इसको 5 मिनट बाद इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। हमारा कितना मजेदार सा लाहौरी अंडा चना तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको लाहौरी अंडा चना कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।